चले। A few moments later, हमारे साथ इन लोगों ने एम्बेसी वालों ने स्कैम किया, हम लोगों से वीडियो इन्होंने बनवा लिया है फॉर देयर गुड रेपुटेशन, और हमें बस में बिठा कर खुद बस में बैठे ही नहीं है, खुद अपनी अलहदा से गाड़ी में बैठे हैं। ठीक है, पहले पाकिस्तानी छात्रों को बस में बैठाकर अपनी सरकार की तारीफ कराते हुए वीडियो बनवाओ और फिर उन सबको बस में छोड़कर दूसरी गाड़ी से निकल लो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन फिर भी पाक मीडिया की माने तो कटोरा खान सरकार अपने देश के छात्रों की मदद तो कर ही रही है, साथ ही साथ भारतीय छात्रों की भी मदद कर रही है। भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। अच्छा, यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारत खाना पाकिस्तानियों के साथ साथ भारतीयों की मदद के लिए आ गया। और वही पाकिस्तानी छात्र, वो जो न्यूज चैनल पर बड़ी बड़ी बातें चल रही है ना कि हमने इतने बच्चे रेस्क्यू कर ले, उतने बच्चे रेस्क्यू कर ले, सब झूठ है। मतलब भाई पाकिस्तानी एम्बेसी से खुद के छात्रों की हेल्प नहीं हो पा रही, पाकिस्तानी छात्र अपनी एम्बेसी और मुगले आजम को गालियां दे रहे हैं। सारी तकलीफ में आई होते पाकिस्तान असला कुछ भी न तो करे। लेकिन फिर भी इनका कहना है कि पाकिस्तान पाकिस्तानी छात्रों के साथ साथ भारतीय छात्रों की भी मदद कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ सच्चाई, हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, हमसे बेहतर तो इंडियन से, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ। गजब बेइज्जती है भाई, कुछ दिन और रुको, पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर तक देखने को मिल जाएंगी कि पाकिस्तान अफ्रीकन छात्रों का भी रेस्क्यू कर रहा है और अब तक 2000 अफ्रीकन छात्रों को उनके देश सही सलामत पहुंचा भी दिया गया है। भाई जहां एक तरफ खुद जिनके छात्र इंडिया के झंडे के सहारे बच रहे हैं वो भी बकचोदी पेल रहे हैं भारतीय छात्रों को बचाने की, जबकि पाकिस्तानी छात्रों का खुद कहना है, बसेस आ रही हैं, उनमें हर कंट्री के स्टूडेंट्स बल्कि इंडियन के स्टूडेंट्स भी आराम से जा रहे हैं। भाई यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी छात्र घर वापस आए ना आए, लेकिन पोर्कियों को इस बात की ज्यादा खुशी है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने पाकिस्तान आ चुकी है। भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में एंटर क्या हुई, पोर्कियों ने सोशल मीडिया पर वेलकम टू पाकिस्तान ट्रेंड ही करा दिया। और वहीं दूसरी तरफ यही पोर्की यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी छात्रों से, और कटोरा खान वो तो भाई रसिया से लौटने के बाद ऐसे सरमाए सरमाए घूम रहा था जैसे नई नवेली दुल्हन, बंदा कई दिनों तक तो नजर ही नहीं आया था, जबकि हर रोज टीवी पर आकर कोई ना कोई बकचोदी पेल ही देता था। इस वजह से लोग चिंतित भी हो गए थे कि बंदा पाकिस्तान वापस आया भी है या रूसी मिसाइल द्वारा वापस किया जाएगा, और अब नजर भी आया है तो हमेशा की तरह कटोरा खान, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। भाई यूक्रेन में फंसे छात्रों की बात करें तो पाकिस्तान के लगभग 3000 छात्र फंसे हुए हैं और इंडिया के लगभग 20000, जिनमें से पाकिस्तान के कुल छात्रों से ज्यादा भारतीय छात्रों को तो अब तक ऑपरेशन गंगा के तहत एयर लिफ्ट भी किया जा चुका है। और कुछ छात्र 15 फरवरी को भारत सरकार की पहली एडवाइजरी जारी होने के बाद खुद ही यूक्रेन छोड़कर भारत आ चुके हैं। अब भी लगभग 8000 भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनको इंडिया वापस लाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देश तक भेज दिया गया है ताकि अपने देश के छात्रों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ पोर्की पाकिस्तानी छात्रों को एक्चुअल वापस लाना तो दूर, अभी तक यही नहीं सोच पा रहे कि उन्हें वापस लाना कैसे है। कैसे? अबे वही तो सोचना। उल्टा कटोरा खान सरकार का कहना है कि हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, सब अपनी जिम्मेदारी पर रहे। जब हमने कांटेक्ट किया एम्बेसी से तो पहले तो कोई कॉल नहीं उठा रहा था, जब उठाए तो उनमें से एक साहब कहते कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। भाई पाकिस्तानी छात्रों के भी अब अच्छे से समझ आ चुका है कि उनको सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना उनके मुगले आजम की बस की बात ही नहीं, इसलिए जो छात्र कल तक इमरान खान से पाकिस्तान पहुंचाने की गुहार लगा रहे थे आज वो बस इतनी गुजारिश कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान न सही तो बस पोलैंड बॉर्डर तक ही पहुंचा दिया जाए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि हमें जल्द से जल्द कम से कम पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करवाया जाए। पोलैंड बॉर्डर क्रॉस कराना तो दूर, उल्टा एम्बेसी के लोग उनके पास जाकर वीडियो अपलोड करने को लेकर चेता हो रहे हैं। आप लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सिचुएशन ऑन ग्राउंड को भी समझ नहीं रहे। और अब तो पाकिस्तानी छात्रों ने अपने हैंडसम प्राइम मिनिस्टर से गुहार लगानी ही छोड़ दी है। उनका कहना है कि यूक्रेन में युद्ध जैसे हालात होने के बावजूद भी हम पाकिस्तान से ज्यादा सुरक्षित हैं। ये बढ़िया था, क्योंकि अब पाकिस्तानी छात्र भी समझ चुके हैं कि ये गरीब लोग हमारी क्या ही मदद करेंगे। मेरी सब पाकिस्तानी से गुजारिश है कि इन पाकिस्तानी एम्बेसडर पे जरा यकीन ना किया जाए, ये बिल्कुल गरीब है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो भाई अगली बार भारत पर उंगली उठाने से पहले अपनी स्थिति देखकर मुंह खोलना, चुपचाप अपने छात्रों को बचाओ। गांड ना फुला, मार।
ये तुम्हारी भोली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।